सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम आपको मिलवाएंगे दो ऐसे मेहमानों से जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई वो एक टेक्नोलॉजी में एक अहम किरदार अदा करते हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहली बार आईटी की फील्ड में एक एग्जीबिशन होने जा रही है, एक एक्सपो होने जा रही है 2022, जो कि जून में होगी, और वो रिलेटेड करती है रोबो मिशन से। उसमें और भी बैकग्राउंड में अपने व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहूँगा, वरदा, दुनिया में बहुत कई दिहाइयों पहले हम छोटे थे, हमने देखा इंसान ने एक दुम्बे की कॉपी की, उसका रेप्लिका बनाया, इसका नाम था डॉली। इंसान काफ़ी दिहाइयों से वर्दा इस टेक्नोलॉजी के पीछे है कि वो इंसान बना सके, लेकिन हकीकत यह है कि वो इंसान नहीं बना सका। फिर उन्होंने क्या बनाया, रिसेंटली हम देख रहे हैं दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने इंसान नुमा रोबोट्स बना दिए, और आज दुनिया में रोबोट्स इस तरीके से फैल गए हैं कि आप दुनिया की अगर इंडस्ट्रीज को उठा के देखें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रोबोटिक्स हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट प्रोडक्शन जो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक्स का ट्रेंड अब बच्चों में भी आ गया है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, और रोबोट्स इतने आगे निकल गए हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। वो हर वो काम कर सकते हैं जो इंसान पहले करता था, इंसानों की बहुत सारी नौकरियां रोबोट्स खा गए हैं। बहुत सारे माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि आने वाले 10-20-15 सालों में और नौकरियां रोबोट्स खा जाएंगे और रोबोट से ही सारा काम लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो दो नौजवान हैं वो मिसबा कादरी, काशिफ सलीम, आप इस वक्त करवा रहे हैं पाकिस्तान रोबो मिशन एक्सपो, आप रोबोट्स के हवाले से एक एक्सपो रख रहे हैं, यकीनन बड़े दिलचस्पी का बायस होगा। जो भी आईटी का शौकीन है, जो भी फ्यूचर को जानना चाहता है, वो रोबोट्स को जानना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आपने कीमती वक्त में दिया। मिसबा से पहले आपका तारुफ करवाऊँ, मिसबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता रहे, ब्रॉडकास्टिंग के शोबे से वाबस्ता रहे, और बहुत वक्त चैनल्स में आगे पीछे होने के बाद इन्होंने फैसला किया कि अब मैं आगे बढ़ूंगा, और आज ये रोबोटिक्स का एक्सपो करा रहे हैं। वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू अगेन। मिसबा, आप स्क्रीन पे आ गए, हमेशा कैमरा के पीछे होते थे, कैसा फील कर रहे हैं और इस एक्सपो के बारे में बताइए। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है तरक्की, आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा जो है ना वो इख्तलाफ करूंगा कि रोबोटिक्स जो है वो हमारी लाइफ के अंदर आने के बाद से जॉब्स खा गई हैं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी हमेशा मोटिवेट होती है, आगे तक देखिए, इतनी सारी फैक्ट्रियां जो इंसान काम करते थे अब रोबोट्स कर रहे हैं, तो जॉब्स तो गई नहीं है। ना परफॉर्मेंस कितनी बढ़ गई है, अग्रीड, वो तमाम इफेक्टिवनेस बढ़ी, लेकिन जॉब जरूर खाएंगे। आपने तो मोटिवेट करें ना, आप एक्सेल करें, आप अच्छे रोबोट्स, ये रोबोट ये नहीं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा तलबाई के, जो है जिस तरह से ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कि पहले आप वो चेंज हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, उसमें जॉब प्रोडक्शन क्वालिटी बिल्कुल वेस्टेज तो कॉस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्री वेरिएशंस चेंज होंगी, लेकिन इस तरह से हमारी अगर लोकल लेवल प्रोडक्शन की बात की जाए तो अगर रोबोटिक्स और इस तरह की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो एक इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेक्टर में एक न्यू जॉब मार्केट डेवलप होगी। तो जहाँ ये चीज डेप्लीट की कही जाएगी वहीं पर एक न्यू इंक्रीमेंट एक्सपो में क्या होगा, रोबोट भी तो इंसान ही बना रहे हैं एक्सपो में। ये सवाल एक्सपो में आपने जैसे कहा था कि ब्रेक में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, मैं चाहूंगी कि ऑनर भी आप देखिए। सबसे पहले तो आप जब इंशाल्लाह उस एक्सपो में आएंगे जो 10-11-12 जून को कराची एक्सपो सेंटर में हो रही है, 10-11-12 जून को हो रही है एक्सपो कराची में, होपली आपको एक रोबोट ही वेलकम करेगा और वो आपको अंदर, तो ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शक्ल कैसी होगी उस रोबोट की, काबिले बर्दाश्त होगी? अच्छा, हम पहले जमाने में कहीं सुनते थे कि एक वक्त आएगा कि जब जो है मशीन सारा काम करेंगी और मशीन ही आप लोगों को वेलकम करेंगी, तो ये अब का दौर है, आ चुका है। आपकी गाड़ियां सारी हाइब्रिड हो चुकी हैं, ऑटोमेटेड गाड़ियां हैं, बस आपकी टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट की ऑटोमेशन हो चुकी है, आप जो वेल्डिंग हो रही है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब रोबोट मॉनिटर कर रहे हैं, ऑपरेशंस तक रोबोट कर रहे हैं, और डॉक्टर से मॉनिटर कर रहा है कि ऑपरेशन सही कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे हाइब्रिड की आपने बात की, मुझे बताएं कि हम लोग आवाम को सहूलत देने के लिए हाइब्रिड गाड़ियां बना रहे हैं, हम इको फ्रेंडली चीजें बना रहे हैं, लेकिन वो आवाम की पहुंच से ही इतनी दूर क्यों होती है, वो क्यों इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आम आवाम पहुंच ही नहीं सकती? देखिए, जब कोई इनोवेटिव आइडिया होता है तो उस पर बहुत बड़ा हैवी बजट लगता है, इनिशियली उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, जब उसकी बल्क प्रोडक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट कम होती ही चली जाती है। हम जो डिवाइसेस बनाते हैं वो सिलिकॉन से बनती है, सिलिकॉन एक रेत है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो उन्हीं आइडिया बेसिकली बल्क मटेरियल तो रेत इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उस आइडिया पे कॉस्ट लग रही है, लेकिन जब बल्क में प्रोड्यूस हो जाता है तो कॉस्ट कम हो जाता है। अच्छा, इसलिए हुआ है कि अभी हम लोग जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, अगर हम लोकल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो जैसा इन्होंने बताया कि एक कॉस्ट आती है उसके ऊपर, तो वो क्योंकि हमारे पास बाहर से उस पर इन्वेस्टमेंट हुई होती है, फिर यहाँ पे आते हैं फर्दर उसके प्रोसेसेस होते हैं, तो उसकी वजह से वो हमें कॉस्ट बहुत वो पड़ती है, लेकिन अगर हम लोकल लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे रोबोटिक्स के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, तो ये वाली चीज़ हमारे यहाँ जो है इतनी। मिसबा काशिफ, ये बताइए कि जब रोबोट हमें आपके एक्सपो में वेलकम करेगा तो अंदर ले जाएगा, तो फिर अंदर क्या होगा, कुछ उसके बारे में बताइए। अंदर आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे, आपको पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के इंक्यूबेटर सेंटर्स क्या रोबोटिक्स को हमने डिवाइड किया डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया है। देखिए, रोबोट्स का इस्तेमाल दुनिया में कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, हेल्थ साइंसेज में हो रहा है, इसके अलावा जो है वो
पाकिस्तान में इनफैक्ट कम हो रहा है लेकिन दुनिया भर में ज़्यादा हो रहा है। तो हम उन तमाम इंक्यूबेटर सेंटरों ने ऑन बोर्ड लिया है, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हम देख के आए, क्योंकि देखिए मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा इस बात का कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि बस 200 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, दिखाओ पास हो जाओ एंड दैट्स इट। अब ये नहीं सोचते कि जो हमने आइडिया जनरेट किया है उसको इंडस्ट्री में कैसे ले, वो उसका करियर बन सकता है। एग्जैक्टली, देखिए यूनिवर्सिटीज में HEC ने इंप्लीमेंट किया है ऑरिक को, ठीक है, ऑरिक ये क्या कर रहा है, ऑरिक लिंकेज प्रोग्राम है जो कि इंडस्ट्री और एकेडमी को आपस में लिंक कर रहा है, और हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है वो आके देखेंगे यूनिवर्सिटीज क्या काम कर रही है, ब्रिज बिल्डिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को हमें फजूल ईयर या फारिग ईयर प्रोजेक्ट नहीं बनाना। सही, हां कि वो उसके बाद आप डंप हो गया कहीं, आप भूल गए उस प्रोजेक्ट को, कि आप स्टोर में रखा हुआ होता है और काम कर सकते हैं। और हमारी एग्जीबिशन के अंदर हम स्टार्टअप्स को, यूनिवर्सिटीज तो हमारी है बिल्कुल, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं कि वो आके इसके अंदर अपना, सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनें हम रोबोट्स देखेंगे, और क्या-क्या देखेंगे वहां, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखेंगे, आप मेडिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड देखेंगे, आप वेलकमिंग जो रिसेप्शन बॉट्स हैं उसके हवाले से देखेंगे, जिस तरह से मिसबस कस्टमर सर्विस के हवाले से भी, एग्जैक्टली CSR के बहुत बड़ा, तो हाउसमेट्स बना रहे हैं घर का काम करने वाला रोबोट, बिल्कुल बिल्कुल इस पे काम कर रहा है, अवेलेबल है मार्केट में और ये अवेलेबल भी है मार्केट में, और आपको हमारी एक्सपो में भी देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएंगे जो रोबोट्स आप बना रहे हैं वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं हाउसमेट्स, या फिर वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल तो मैंने देखे बहुत आसानी से काम कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी और हमारे एग्रीबॉट्स आप देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट तरह के हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम टेक्नोलॉजी एक तो बहुत लेट अडॉप्टर्स हैं, और अगर हम उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं तो हमारे लिए वो, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड नहीं होता, तो क्योंकि हम एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं, एग्रीबॉट्स हो गया, उसके अलावा कुछ जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है हमें उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इस पर टक पर अगर काम होगा तो हमारा बेसिकली फोकस यही है, आप लोगों को एग्रीबॉट्स दिखेंगे डिफरेंट तरह के, जो कि जो है वो कल्टीवेटिंग और इससे लेके हार्वेस्टिंग इस तरह के प्रोसेस, और हेल्थ से बड़े मसले आप देख सकते हैं, जब कोविड के बाद से कभी खुदा खासा कहीं अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो आप वहाँ तक रीच नहीं कर सकते, तो आपके ड्रोन्स के जरिए मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पहुँचाई जाए, इस पर भी काम चल रहा है और हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं और इसको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन आइडियाज पे काम किया जाए। इसका बाहर गेट पे भाईजान मिस बसा अगेन वो पास के पैसे वैसे ले रहे हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल, ये फ्री है, फ्री फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन है, और मजे की बात ये है कि क्योंकि हम इको फ्रेंड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लिहाजा इसका पास प्रिंटेड नहीं है बल्कि एक QR कोड जनरेट हुआ है, वेबसाइट पे जाए वहाँ पे उसको स्कैन करें, आपको परमिशन मिल जाएगी और वापस आते हमें जब एक्सपो में आएंगे वो दिखाइए। ये बताए बहुत सारे लोग आपको देख कर ये चाह रहे होंगे कि वो भी इस एक्सपो का हिस्सा बने, उनके भी कोई आइडियाज होंगे, कोई क्रिएशन होगी, कोई इन्वेंशन होगी, हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट? एग्जैक्टली, देखें इसी को हम ये आपके इस चैनल को इस वक्त जो है ना बेस बनाते हुए और इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हुए हम अप्रिशिएट करते हैं, तमाम लोगों को बोलते हैं, हमारी वेबसाइट यकीन तौर पर आपको नजर आ रही होगी इस वक्त टीवी के स्क्रीन के ऊपर, www.prexpo.com.pk इस पर जाइए, इसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, वो तमाम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ और एक वाले, इसके अलावा इन लोकल और इंटरनेशनल वेंडर्स जो कि रोबोट्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें और आएँ, हमें ज़रूरत है उन तमाम लोगों की, और तमाम आइडियाज़ जो आपने बिल्ड किए हुए हैं या आपके जहन में भी कहीं हैं उसको लाके हमारे साथ मिलके और फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे एग्जिबिट कर सकते हैं। सही, मेरा आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल है कि IT सेक्टर में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, और आपको गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट कर रही है इस चीज़? अच्छा, IT ना एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, हम उसका छोटा सा सेगमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें इनोवेशन की बात करें, हम रोबोटिक्स की बात करें या हम आर्टिफिशियल की बात करें, उसका छोटा सा सेगमेंट है। इनोवेशन की बात कर लेते हैं, इनोवेशन में दुनिया के 132 कंट्रीज में पाकिस्तान 99 पे स्टैंड करता है। जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो इनोवेटिव कंट्रीज़ भी हैं और वेल्थी कंट्रीज़ भी हैं, तो इससे रिलेशन निकल के आता है कि अगर आपकी वेल्थ जनरेट होगी तो जो टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन जिन्होंने की हुई है, जो इनोवेशन की हुई है, वही वेल्थी कंट्री है। तो अगर आप पत्थर के दौर में रहेंगे तो कभी भी आप फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर IT के हवाले से अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग का बिजनेस इसमें है, लेकिन जो हार्डवेयर है बेसिकली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर बहुत कम काम हो रहा है। तो हमारा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये सब इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एज वेल एज हार्डवेयर प्रोटोटाइप इसके हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिसबाह कादरी, काशिफ सलीम, जरूर जो देखने वाले हैं जरूर जाइएगा पाकिस्तान रोबोमिशन एक्सपो जून में हो रहा है, और अपने बच्चों को भी लेके जाएगा, और जिनके पास आइडियाज हैं इनसे رابطہ करें, अपने आइडियाज को 11-12 जून को हो रहा है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।